और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक दुखद खबर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी बेटी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। शरद यादव ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। शरद यादव ने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव एनडीए के संयोजक भी रहे। राजनीतिक गठजोड़ के माहिर खिलाड़ी शरद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु माना जाता है और खबर यह रही है कि अब शरद यादव नहीं रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, एक बड़ी समाजवादी आवाज का खामोश होना कहा जाए इसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनीष, ये दुखद खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और फोर्टिस अस्पताल जो गुरुग्राम में है उसने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि रात में करीब 10:15 बजे शरद यादव ने आखिरी सांस ली है। उनको कुछ देर पहले ही वहां पर हॉस्पिटल लाया गया था और वहां पर उन्हें कोशिश की गई बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाए और उनका निधन हो गया। बड़े समाजवादी नेताओं में से एक है जो देश के बड़े बड़े चेहरे रहे हैं समाजवादी, उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि आखिरी स्तंभों में से एक है शरद यादव, और उनका जाना समाजवादी जो आंदोलन है देश में उसके लिए एक बड़ा झटका है, उसके लिए उसकी इसकी एक एरा का अंत होना है एक तरीके से। और जैसा आपने बताया कि संभवतः शरद यादव ऐसे पहले नेता हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों